अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट करने लगे हैं पेट्स कार्डियोलॉजी एंड हेमाटोलॉजी। चैप्टर नंबर 4 है। इसमें 2 ऐसे क्यों आने हैं, क्योंकि 2 टॉपिक्स हैं और 8 एमसीक्यू होने हैं। 18 नंबर का पेपर आना है इसमें। सबसे पहले टॉफ है। टॉफ में क्या होता है, प्रोजिग्मल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स आते हैं टॉफ के, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइपोक्सिक हो जाता है, ब्लू हो जाता है या टेस्ट मिल जाते हैं। इनकी एज क्या होती है, 2 साल से कम होते हैं, हाइपरहिपनिक होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, इंक्रीज साइनोसिस, गैस्पिंग, रेस्पिरेशन, सिंकपी। एपिसोड्स ज़्यादातर मॉर्निंग में होती है, बोन वेकनिंग और फॉलिंग एपिसोड्स ऑफ विग्रस क्राइंग। बच्चे रोने के बाद में नीले पीले हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं। अगर टॉफ का बताया हुआ है इन्होंने, ऊपर था हमने टेट स्पेल्स की बात की थी, ठीक है। पैरोक्सिस्मल अटैक्स ऑफ टॉफ की बात की थी, उसको हम टेट स्पेल्स भी कहते हैं। वो हमने टेट स्पेल्स की बात की, अब टॉफ की बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल साइनोसिस होती है, सिक्रेटिंग एपिसोड्स होते हैं, एक्सर्शनल डिज़नी होता है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होती है, क्लबिंग होती है। क्लबिंग इससे पहले हमने सीलिंग डिजीज में पढ़ा है और सिस्टिक फाइब्रोसिस में पढ़ा है। सीसी से बताया था ये टॉफ है, टॉफ में क्लबिंग होती है, पॉलीसाइथीमिया होता है। पाम और कंजक्टिवा को देखना है। पॉलीसाइथीमिया अभी तक हमने ना सब तकरीबन सारी जो है पढ़ी है वो एनीमिया की थी, इसमें पॉलीसाइथीमिया होता है। बच्चा ब्लू है लेकिन पॉलीसाइथीमिया है उसको। H2 अलाउड है, H2 सिंगल होती है और जो P2 नहीं होती, परमानेंटली कंपोनेंट नहीं होता। H2 सिंगल होती है, मतलब उसका एक ही कंपोनेंट होता है। H2 सिंगल होती है और सॉफ्ट होती है। H2 सिंगल होती है और पल्मोनरी कंपोनेंट या तो लॉस्ट होता है या सॉफ्ट होता है, ठीक है। पल्मोनरी कंपोनेंट यहाँ पे लॉस्ट लिखा हुआ है, वैसे बुक में सॉफ्ट लिखा हुआ है। इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आता है इसमें। पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ना स्टेनोसिस हुई होती है इसमें। टॉप के 4 फीचर्स होते हैं ना, तो इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आता है एट द अपर एंड एंड द मिडल, अपर एंड पे और मिडल लेफ्ट सेलनर बॉर्डर पे, अपर और मिडल पे। पोर शेप हार्ड मिलता है एक्सरे पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गया है, 3.5 साल का बच्चा है, इमरजेंसी में है, इमरजेंसी है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, साइनोसिस है, सेंट्रल साइनोसिस है, ठीक है। सेंट्रल साइनोसिस है, साइनोसिस, क्लबिंग, कंजेस्टेड आइज, सीसीसी, सेंट्रल साइनोसिस, क्लबिंग एंड कंजेस्टेड आइज है, इरेटेबिलिटी है, उसको सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस पर आ रहा है, अपर बॉर्डर पर आ रहा है, P2 उसकी सॉफ्ट है। तो इसको टच स्पेल्स हुए, इमरजेंसी में है ना, रेड स्पेल्स है। पैरोक्सिस्मल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स ऑफ टॉफ, जिसे हाइपोक्सिक ब्लू या टेट्स हाइपोक्सिक स्पेल्स भी कहते हैं, ब्लू स्पेल्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा है, 4 साल का बच्चा इमरजेंसी में है, तो इमरजेंसी में ना टॉफ अकेला नहीं लिखना, उसके टेट्स स्पेल्स होते हैं इमरजेंसी में। 4 साल का बच्चा, ठीक है, साइनोसिस के साथ आया है, जिसनी या रिकरेंट सच एपिसोड्स, उसको 10 महीने से उस तरह की एपिसोड्स हो रही है, मतलब 1 साल 2 साल से सबसे कम था ना तब से हो रही है, उसका टॉफ है। डीपली साइनोस्ट है, इरिटेबल है, टिकिपनिक है, क्लबिंग हुई है, क्लबिंग है, साइनोसिस है, और एक तीसरा हमने कंजेस्शन पड़ी थी सीसीसी से। सॉफ्ट P2 आ रही है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है, पल्मोनरी एरिया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वीकनेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, वीकनेस है, तो ये टॉफ जो वीकनेस है उसको साइनोस्ट है, साइनोस्ट है, हार्ट रेट उसका 110 है, ग्रेड 5 की 4 की क्लबिंग हो रही है, ठीक है। साइनोसिस क्लबिंग हो गई, 2 सी पूरे हो गए। इसके अलावा उसको हाइपर रिफ्लेक्सी है, ठीक है, हाइपरटोनिया एंड हाइपर रिफ्लेक्सिया है, हाइपरटोनिया हाइपर रिफ्लेक्सिया है, सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है, 3rd इंटरकोस्टल स्पेस में, एलिवेटेड कार्डियक एपिक्स है, एपिक्स भी कार्डियक। इसके अलावा जो पल्मोनरी वैस्कुलरिटी है वो रिड्यूस्ड है। टॉफ है, उसकी वजह से उसे सीवी हो गया, सीवीए या सीवीआई स्ट्रोक हो गया, उसको वीकनेस हो गई है ना साइड की, और उसकी वजह से उसको उस साइड की हाइपरटोनिया हाइपर रिफ्लेक्सिया भी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ग्रीजिक साइनोटिक साइनोसिस हो रहा है उसको सिंस बर्थ से, 2 साल का बच्चा है वो, वेट उसका 8 kg है। हार्ट साउंड जो मतलब S2 सिंगल है, सॉफ्ट है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है हमें अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, टॉफ है ये, इमरजेंसी में नहीं आया तो इसको टॉफ लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इमरजेंसी में आया तो ये टेट स्पेल्स होंगे, अगर तो जो भी क्राई, इनकंसोलेबल क्राई सिंस मॉर्निंग, रोई जा रहा बच्चा, साइनोसिस है, क्राई के दौरान होता है साइनोसिस, कंजेशन और एक और सी क्लबिंग, तो ये सीसी से है टॉफ। इंजेक्शन से सॉरी मर्मर आ रहा है लॉन्ग लेफ्ट फ्रेशनल बॉर्डर, गैस्पिंग उसकी ब्रीदिंग है, तो ये टेट स्पेल्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाता है, टॉफ है, उसने खुद बता दिया 3 साल के बच्चे टॉफ है, इमरजेंसी में है आया है, तो इमरजेंसी में आएगा तो टेट स्पेल्स होंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, टिकिपनिक है, साइनोस है, इंजेक्शन से सॉरी मर्मर आ रहा है अपर रेस्पिरेटरी पैरास्टनल एरिया पे, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सिमिलर, पहले भी इसको हो चुके हैं, हिस्ट्री भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इमरजेंसी, 1 साल का बच्चा इमरजेंसी में आया, रोई जा रहा है, एक्सेसिव क्राइंग है, साइनोसिस है, ब्लूश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड टंग है, सेंट्रल साइनोसिस है, लिप्स और टंग में देखते हैं सेंट्रल साइनोसिस। डीपली साइनोस्ड है, सिंगल, उस S2 सिंगल है,
एस्ट्रो सिंगल है, इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है एट द लेफ्ट अपर लेफ्ट स्टर्नम, अपर पे, ठीक है, अपर और मिडल पे हमने बात की थी, टॉप है, स्टेट्स पे है। 6 महीने का बच्चा हाइपर वेंटिलेशन के साथ आया, रेस्टलेस है, साइनोसिस है, पहले भी उसको 4 माह से उसको हो रही है, मतलब 2 साल से पहले से हो रही है, रेस्टलेस है, डीप साइनोसिस, सेंट्रल साइनोसिस है उसे, आरआर उसका 90 पे पहुंचा हुआ है, बायलेटरल ओकिंगल रेल्स आ रही है, नो एडिड साउंड ओवर प्रीकॉर्डियम, तो उसको इसका हमने डिक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलरिटी इफेक्ट अपलिफ्ट हो गई है और डिक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलरिटी है, तो उसको पहले भी थे तो इसका मतलब है वो एमरजेंसी में आया है, तो उसको टेस्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, एपिसोड्स, उसको एपिसोड्स हैं साइनोसिस के, उसको पहले भी हो चुके हैं, मतलब अब जब आया वो एमरजेंसी में है, तो टेस्ट कर दें। सेंट्रली साइनोसिस एस्पन उसकी सिंगल है, इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है ओवर अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, साइनोसिस है, 10 साल का बच्चा एडमिट हुआ है साइनोसिस के साथ, व्हाइल ही वाज प्लेइंग प्ले कर रहा था, ही हैड सिमिलर अटैक्स, पहले भी हो चुके हैं, एग्जामिनेशन भी उसे क्लबिंग या सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है, टॉफ है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया, 4 साल का बच्चा है, हाई फीवर, हाई रनिंग हाई फीवर है पिछले 3 हफ्ते से, कंजेंटल हार्ट डिजीज है उसको, फॉलोअप पे आया पीड्स यूनिट में, कार्डियोलॉजी यूनिट में, टिकपनी का साइनोसिस है ऑन लिप्स एंड फिंगर, तो लिप्स और फिंगर्स में है, क्लबिंग है उसे फिंगर क्लबिंग है, सॉफ्ट पाल पेपर क्लीन है, ठीक है, क्लीन है उसका पाल पेपर, पल्स 120 है उसकी, आरआर उसका 30 है, बीपी उसका लो है, सेकंड हार्ट साउंड सिंगल है, सिंगल सेकंड हार्ट साउंड और सॉफ्ट, इसमें इंजेक्शन से सिस्टोलिक मर्मर ऑडिबल है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा है, उसने रैपिड ब्रीदिंग है, इरिटेबल क्राई है, ब्लूश डिस्कलरेशन है, बेबीज लिप्स आर यूजुअली ब्लू, डीपली साइनोस्ड है, रेस्पिरेटरी 70 है, हार्ट रेट उसका 140 है, इसके उसको टेट्स पर जाए, लेकिन इसका ज़रा मुश्किल ही है, इसको देखें, बेबीज के लिप्स आर ब्लू, क्राइंग पे, इरिटेबल क्राई है, तो क्राई साइनोसिस है, ठीक है, और आर आर उसका, ये तो और बाकी जगहों पे भी हो सकती है, ये क्राई और ये जो ब्लूश फाइंडिंग है ना, ये तो ये टेट्स पर है, और बच्चे की वो भी देखें, 6 महीने की बच्ची है, 2 साल से कम होता है टॉफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया, उसने 4 माह का बच्चा है, सॉफ्ट उसकी स्ट्रू है, इंजेक्शन से सॉलिक मर्मा आ रहा है, क्लोज टू लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, रिड्यूस वेस्कुलर शेडोज इन द लंग्स बायलेटरली, डायग्नोसिस क्या है, इसको टेस्ट पर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर, उन्होंने कहा इंडिकेशन बाई हार्ट साउंड एंड मर्मर, मर्मर क्यों आ रहा है, इसका ये पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से आ रहा है, ठीक है, पल्मोनरी स्टेनोसिस हो गई हो जाती है ना, तो उसकी वजह से इंजेक्शन से सॉलिक मर्मर आता है, पीएस का मर्मर है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है, रैपिड ब्रीदिंग है, इरिटेबिलिटी है, वर्सनिंग साइनोसिस है, 2 घंटे से, 2 साल की बच्ची है, पहले भी हो चुका है उसको, जब से वो पैदा हुई है तब से है, तो क्लबिंग है, डीपली साइनोस्ड है, इरिटेबल है, इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर मिल रहा है, पीएस का मर्मर मिल रहा है, तो पीएस है उसे। 15 में क्या है, ईआर में ये साइनोस्ड है, डिज़निया है उसे, फ्रीक्वेंट सच एपिसोड्स फॉर द लास्ट 6 मंथ, 2 साल की है, पहले मतलब 2 साल से कम से उसे हो चुका है, डीपली साइनोस्ड है, एक्सट्रीमली इरिटेबल है, टिकपनिक है, फिंगर क्लबिंग है, इंजेक्शन से सोलिंग मर्मर मिल रहा है एट द पल्मोनरी एरिया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, एक 4 साल की बच्ची है, फीवर है उसे, पहले उसको हिस्ट्री होंगे ना, तो अब तो वो टेट स्पेल्स के साथ आई है साइनोसिस अगर हो रहा है उसे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, तो फीवर है उसे, हेडेक है 6 दिन से, वीकनेस ऑफ राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट साइड की वीकनेस है 2 दिन से, साइनोसिस इंक्रीजेस वाइल क्राइंग क्लबिंग है उसे, इंजेक्शन से सोलिंग मर्मर आ रहा है, बेस पे मसल पार इज हाइपोटोनिया हो गया उसे, टोन एंड डीप रिफ्लेक्स आर एग्जेजरेटेड, मसल की पार कम है, हाइपरटोनिया हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया इसमें, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था, टॉप है उसकी वजह से उसे पैरालिसिस हो गया राइट साइड का, सीवी हो गया, ठीक है, स्ट्रोक। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 18 माह की बच्ची है, एमरजेंसी में आई है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, सेंट्रल साइनोसिस के साथ, गेट्स वर्सन डोंट क्राइंग, प्रोमिनेंट क्लबिंग है, सेंट्रल साइनोसिस है, हार्ट रेट आरआर दोनों बढ़ इंक्रीज है, एस टू सॉफ्ट सिंगल है, एसएसएस से याद रखना है आपने, एस टू सॉफ्ट सिंगल और सिस्टोलिक मर्मर, ठीक है, एसएसएस 4 एस आने हैं इसमें, मर्मर आ रहा है इसको ग्रेड 3 का मर्मर आ रहा है, अपर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, डेट डिसअपीयर व्हेन जब बच्चा रोता है वो ख़त्म हो जाता है, तो एमरजेंसी में आया तो टेस्ट पल्स है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक साल की 1 दिन की बच्ची है,
ब्रीदिंग डिफिकल्टी सिंस बर्थ, डेथ ऑफ सिबलिंग एट द एज ऑफ 3 डेज, ब्लू विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, चेस्ट इन ड्राइंग ऑडिबल, हार्ट साउंड्स, सिस्टोलिक मर्मर ऑफ ग्रेट, सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन डिड नॉट इंप्रूव गिविंग 100% ऑक्सीजन। बच्चों में ना जब भी सनोसिस हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में ट्रॉफी आना चाहिए। तो एमरजेंसी मैनेजमेंट क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे उसको, 100% ऑक्सीजन देंगे। टेट स्पेल है उसको, मतलब एमरजेंसी मैनेजमेंट करेंगे हम इसकी, टेट स्पेल की मैनेजमेंट। ऑक्सीजन देंगे, पेशेंट को रखना है इन द नी चेस्ट पोजीशन में, ताकि उसकी वजह से क्या होता है, सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है उसकी, और शंटिंग है ना, राइट टू लेफ्ट शंटिंग में कम हो जाती है। जब शंटिंग कम हो जाएगी तो सनोसिस डिजनिया कम हो जाएगा। इसके बाद हमने उसको मॉर्फिन सल्फेट देना है, ठीक है, सब कुटेनियस देनी है मॉर्फिन सल्फेट 0.2 mg की देनी है। इसके बाद हमने उसको प्रोपेनोलोल दे देना है, एमरजेंसी डोज की 0.1 से 0.2 है, और 0.2 ही मॉर्फिन सल्फेट की थी, 0.1 से 0.2 अगर प्रिवेंशन डोज है वो 1 देनी है हर 6 घंटे के बाद। और एमरजेंसी डोज हमने IV देनी है, जो कि प्रिवेंटिव डोज है वो हमने देनी है 1 mg की ओरली। आगे इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं और कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या है, उसको CBC करवाएंगे, एक्सरे सब वही इमेजिंग इसमें आएगी ज़्यादातर, और ये सीरियस है ना, इसमें एक्सरे, CBC, ECG, इकोकार्डिक कैथेटराइजेशन एंड एंजियोग्राफी, ये हर CVA में लिख देना है आपने CVS के घर में। एक्सरे में हमें बूट शेप हार्ट मिलेगा, ओलिगिमिक लंग फील्ड मिलेंगे, इसके अलावा राइट साइड के एओर्टिक आर्ट्स मिलेंगे। CBC में हमें HB पोलीसीथेमिया था ना, HB ज़्यादा मिलेगी, हेमाटोक्रिट भी ज़्यादा मिलेगा, RBCs भी ज़्यादा मिलेंगे। इको इसकी डायग्नोस्टिक है। ECG में हमें क्या मिलेगा, राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी और राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी मिलेगी। कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे और इसके अलावा एंजियोग्राफी करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था CVA हो सकता है, ठीक, या सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो गई, CVA सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट या सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसको ब्रेन की बात कर लेते हैं, तो ब्रेन में CVA हो गया, सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो गई, ब्रेन एब्सेस हो गई। बी से एक और बात कर ले, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, दिल पे आ जाए तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ब्लड पे आ जाए तो ब्लड में उसे पोलीसीथेमिया और रिलेटिव एनीमिया होता है, पोलीसीथेमिया और रिलेटिव एनीमिया। सांस की बात कर लें तो फेलियर टू थ्राइव है, साइकोसोशल उसको प्रॉब्लम है। 2 P हैं 2 B हैं और 2 C हैं, ठीक है। ब्रेन एब्सेस, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, CVA और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस, पोलीसीथेमिया, साइकोसोशल प्रॉब्लम, फेलियर टू थ्राइव और रिलेटिव एनीमिया। ये थी हमारी इमरजेंसी मैनेजमेंट जो हमने पढ़ ली। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में क्या है, उसको पैलिएटिव सर्जरी करनी है, करेक्टिव सर्जरी करनी है। पैलिएटिव सर्जरी में हमने ब्लैलॉक्स टॉसिक शंट करना है, इसमें राइट सब क्लेवियन को ना पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देना है। करेक्टिव सर्जरी में क्या करते हैं, ये हमने करनी है 3 महीने से 2 साल के दरमियान में करनी है। इसमें हमने क्या करना है, VST जो जो उसके डिफेक्ट्स हैं ना उसको ख़त्म कर देना है। VST में ओपन था तो उसको क्लोज कर देना है, इससे उसकी ऑब्स्ट्रक्शन को रिसेक्ट कर दिया और एरिया को ना पैच लगा दिया उसके ऊपर। इसके जो टोटल मैनेजमेंट है ना, उसमें हमने क्या करना है, जनरल मैनेजमेंट है, इमरजेंसी मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट है। जनरल मैनेजमेंट में उसको हाइड्रेशन देनी है, पानी, ठीक है, टेम्परेचर उसका मेंटेन करना है, ग्लूकोज लेवल HbS की मेंटेन करनी है, मेटोक्रेट मेंटेन करना है, आयरन सप्लीमेंटेशन करनी है, बैक्टीरिया एंडोकार्डाइट उसके जो कॉम्प्लिकेशन है ना उसको वो ट्रीट करना है। उसको एनीमिया हुआ तो उसको आयरन दे देना है, ठीक है, बाकी उसको हाइड्रेशन और ग्लूकोज HbS के ये इसकी लाइन करना है। बाकी उसको क्या था, बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस हो सकता था तो उसके लिए उसको प्रोफिलैक्सिस देना है। उसको पोलीसीथेमिया हो सकता है उसकी कॉम्प्लिकेशन, तो उससे बचाने के लिए हमने उसको पार्शियल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या फिलोबॉटमी कर देनी है, ठीक है, पार्शियल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन या फिलोबॉटमी। इसके अलावा उसको जो ब्रेन एब्सेस हो सकती है उसके लिए हमने एंटीबायोटिक एंड ड्रेनेज कर देनी है और कैलोरिक इनटेक को करेक्ट करना है और काउंसलिंग करनी है। इसके बाद वो पूछ रहा है कि ECG भी हमें टॉप पे क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, तो राइट एक्सिस डेविएशन मिलेगी और राइट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉफी मिलेगी। आगे पूछा हुआ है अदर क्लिनिकल साइंस बताएं जो इसमें आते हैं, तो इसमें हमने CCC से किया था, क्लबिंग होती है, कंजेशन होती है, कंजेशन क्यों हो रही है, पोलीसीथेमिया की वजह से। और 4 S थे इसमें, S2 सिंगल है, S2 लाउड है, सॉफ्ट है और सिस्टोलिक मर्मर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 में उसने पूछा हुआ है कार्डिक डिफेक्ट्स कौन से हैं, तो उसके जो 4 कंपोनेंट्स हैं ना उसको प्रॉब से करते हैं हम। इसमें हमने P से किया हमारे पास पल्मोनरी स्टीनोसिस, R से किया राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, O से किया ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा, ये उस जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना उसके ऊपर से निकल रहा होता है ना, उधर से गुजरता है ना उधर से गुजरता है, सब दोनों को ओवर राइड कर जाता है, तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम के ऊपर से गुजरता है इसलिए हम उसको कहते हैं ओवर राइडिंग ऑफ द एओर्टा। प्रोव है ना, तो वी से क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम VSD, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में हमने क्या इसका इसकी फाइंडिंग्स मिलेंगी, एक्सरे में हमें बूट शेप हार्ट मिलेगा, ठीक है, ओलिगिमिक लंग फील्ड्स मिलेंगी और इसके अलावा राइट साइडेड एओर्टिक आर्च मिलेगी।
इसके बाद उसने DDs पूछे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 में, ये 18 इसका मैंने कहा था इसका जरा ऐसा ही है, तो इसमें साइनोसिस है, तो साइनोसिस उसमें टॉफ है और TG है, इसके दो इसके बन जाते हैं DDs। पहले डिप प्रोसीजर हमने कर लिए हैं, टॉफ के लिए ब्लैलॉक टॉसिक शंट करते हैं जिसमें राइट सब क्लेविंग पल्मोनरी आर्टरी से जोड़ देते हैं, और जो TG है ना उसमें बलून आर्टरी सेप्टोस्टोमी करते हैं, ठीक है।